हेलो दोस्तों, आज का वीडियो है बैंकिंग एंड सीएसपी रिलेटेड वीडियो। और मेरे पास 90% लोगों का कॉल, मैसेज एंड यूट्यूब कमेंट आता है, ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट बैंक सीएसपी को लेके, यानी कि आरडीएसपी सीएसपी को लेके मैसेज में आता है क्वेश्चन, जैसे कि इन्वेस्टमेंट बैंक कैसे मिलेगा या आरडीएसपी सीएसपी कैसे मिलेगा, कमीशन आता है या नहीं, अकाउंट डिटेल्स क्या है एंड लोन मिलता है या नहीं, ये कैसा है, इसका प्राइस क्या है, कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, डॉक्यूमेंट्री क्या है, इस तरीके का बहुत सारे सवाल आता है जो मैं आपका आंसर नहीं दे पाता हूँ। इसीलिए ये छोटा एक वीडियो बना रहा हूँ, आप इसके जरिए पूरा जानकारी मिल जाएगा उम्मीद है। हमारे चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कर ले एंड लाइक कर दे। तो आज हम बताने वाले हैं इंडसइंड बैंक जो है वो आरडीएसपी बैंक है, और आरडीएसपी इंडसइंड बैंक एक ही है जो भारत फाइनेंशियल कंपनी चला रहा है। इंडसइंड बैंक का सीएसपी जो है ये आपका मेन ब्रांच से लिंकेड नहीं है, ये आपका आरडीएसपी सीएसपी यानी कि भारत फाइनेंशियल चलाता है। उसके बाद आपको हम बताना चाहेंगे, यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग होता है, अकाउंट ओपनिंग हो जाएगा आपको ओनली एक प्रकार का, जो आपका 18 साल से ऊपर होगा एंड वो आपका ओनली आधार कार्ड से अकाउंट ओपनिंग हो जाएगा, चाहे तो आप पैन कार्ड भी दे सकते हैं। और यहाँ अकाउंट नंबर आपको इंस्टेंट आ जाएगा, और इसका आपको पासबुक नहीं मिलेगा, आपको पासबुक को कंप्यूटर से प्रिंट करके कस्टमर को देना पड़ेगा। उसके बाद इस अकाउंट का आपको एटीएम एंड डेबिट कार्ड नहीं मिलेगा, मिलेगा आपको 6 महीने बाद, वो भी पूरा अगर ट्रांजैक्शन सही रहे आपका, उसके बाद ही आपका एटीएम कार्ड अप्लाई करना होगा, और एटीएम कार्ड का कुछ चार्जेस लेगा, उसके बाद एटीएम कार्ड आएगा। और यहाँ पे आप डेली विड्रॉ लिमिट कर सकते हैं 30,000 तक का अकाउंट में। दोस्तों, आरडीएसपी सीएसपी को ओनली आप मोबाइल में यूज़ कर सकते हैं, ना कि कंप्यूटर लैपटॉप पीसी में यूज़ कर सकते हैं, ओनली मोबाइल पे यूज़। उसके बाद आरडीएसपी सीएसपी में आपको जाएगा लोन करा सकते हैं आप, लोन का भी बहुत ही ज़्यादा प्रोसेस है, जैसे कि आपको आधार कार्ड पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ेगा, उसके बाद आपको चाहिए सिबिल स्कोर ठीक होना चाहिए, और आपको दूसरा अकाउंट होना चाहिए पहले से, और उसका 3 मंथ का बैंक स्टेटमेंट आपको देना होगा, और लोन मिलेगा आपको स्टेटमेंट के हिसाब से। बट अभी लॉकडाउन के कारण लोन नहीं मिल रहा है, लॉकडाउन के बाद ही आपको लोन दे सकते हैं या कैंडिडेट को लोन दे सकते हैं। लोन अमाउंट आपको ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 तक मिलेगा फर्स्ट टाइम, अगर सिविल स्कोर बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहे तो, नहीं तो आपको 30,000-20,000 तक का लोन मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप वर्किंग कर सकते हैं, विड्रॉ डिपॉजिट इंक्वायरी एंड इंस्टेंट सीबी चेक कर सकते हैं, और रिचार्ज बिल पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कमीशन मिल जाएगा, आपको बताना चाहेंगे यहाँ पे कमीशन बोले तो बहुत ही लो कमीशन है, जैसे कि अकाउंट ओपनिंग में आपको यहाँ पे कोई भी कमीशन नहीं दिया जाता है, 0 कमीशन है, बाद में क्या देगा नहीं मालूम। उसके बाद यहाँ पे आपको कमीशन मिल जाएगा ओनली आरडी ओपनिंग पे, और लोन पे कमीशन मिल जाएगा कुछ थोड़ा बहुत, लेकिन कितना है वो मुझे कॉन्फर्म नहीं मालूम है, क्योंकि इसका कोई कमीशन लिस्ट आया नहीं है और कोई दे भी नहीं पा रहा है, तो इसलिए मैं भी आपको नहीं बता पा रहा हूँ कॉन्फर्म। अगर आपको इसका स्टेटमेंट निकालना है, कमीशन लिस्ट, या फिर आप स्टेटमेंट निकालना चाहते हैं कितना विड्रॉ कर लिए, कितना ट्रांजैक्शन कर लिए, उसका आपको अलग से वीडियो बना दिया है, उस वीडियो को लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, आरडीएसपी सीएसपी को लेने के लिए आपको ओनली डॉक्यूमेंट्री लगता है, आधार कार्ड एंड पैन कार्ड, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आपको जाना है अपना नज़दीकी बीएमओ यानी कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है उनके पास जाना है, और आपका वहाँ से हो जाएगा। और आपको पीएमओ का कांटेक्ट अगर नहीं है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक नंबर है कस्टमर केयर का, उस नंबर पर कॉल करना है, और आपको अपना पीएमओ का नंबर लेना है, और पीएमओ को कॉल करके आपको उनके पास जाके आईडी ले लेना है। अगर उनका नंबर नहीं है, कस्टमर केयर का नंबर नहीं है, आपको गूगल में सर्च करना होगा आरडीएसपी सीएसपी कस्टमर केयर नंबर, और वहां से आपको कस्टमर केयर का नंबर मिल जाएगा। उसके बाद आरडीएसपी सीएसपी को लेने के लिए आपको प्राइस पड़ जाएगा। देखो दोस्तों, आपको हम बताना चाहेंगे, इसका प्राइस है ओरिजिनली 400 या 450 रुपया, बट इसमें आपका एजेंसी बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप मेरे को ना पकड़ के आप डायरेक्ट बैंक को या फिर बीएमओ से कांटेक्ट करते हैं तो आपको 400-450 में 500 में आईडी मिल जाएगा, लेकिन आप अगर मेरे को या थर्ड पार्टी को या
कुछ किसी दूसरे को और पकड़ना चाहते हैं तो आपको अमाउंट ज़्यादा लेगा, क्योंकि जिसे भी आप पकड़ेंगे वो बिना 10 रुपया लेके किसी का काम नहीं करता है, आपको मालूम ही होगा, इसलिए ज़्यादा अमाउंट पड़ता है। और आपको ये भी मालूम है कि CSP हो या मर्चेंट ID हो, कुछ भी हो या APSC हो, लेने में कोई भी पैसा नहीं लगता है, ओनली 1000, 1200, 2000, ज़्यादा से ज़्यादा अगर बहुत बड़ा CSP हो जाए तो आपका 5-10 हज़ार में CSP हो जाता है, लेकिन अमाउंट ज़्यादा लेता है क्योंकि एजेंसी, थर्ड पार्टी, दलाल बहुत सारे लोग रहता है, इसी कारण ज़्यादा अमाउंट ले लेता है। अगर आप ये CSP लेना चाहते हैं तो WhatsApp में कमेंट कर सकते हैं, हमारा WhatsApp नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों WhatsApp में आपको कमेंट करना है, मुझे CSP लेना है इंडसलैंड बैंक का और मेरा एड्रेस ऐसा ऐसा है, आपका एड्रेस, आपको फुल एड्रेस लिख के भेजना है, उसके बाद ही हम आपको दे पाएंगे CSP। दोस्तों जानकारी अच्छा लगा तो लाइक कर दे एंड चैनल में नया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब भी कर दे।